हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए यूपी की योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ एमपी की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है, वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। लिहाजा इंदौर कांग्रेस कमेटी ने गीता भवन पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के सामने मौन धारण प्रदर्शन किया। मुंह पर मास्क, हाथों में काली पट्टी और बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस गैंगरेप की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल ने योगी सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अर्चना जायसवाल ने एमपी में भी महिला अपराधों का ग्राफ बढ़ने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाई। कुल मिलाकर हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया। दीदी, आज आप लोग सब धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांग है, क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर और जिस तरह की रीति नीति अपनाई गई है प्रशासन की ओर से वहाँ पर, देखिए क्या पीड़ित परिवार से मिलने जाना क्या बुरा बात होती है क्या? राहुल गांधी जी गए, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, प्रियंका गांधी जी भी गईं, और आज हम लोग भी सब जगह जाते हैं, तो हम लोग को ये लगता है कि सरकार क्यों इस विषय में गंभीर नहीं होती है, क्यों नरेंद्र मोदी जी अपने सरकारों को, हर सरकार को ये दिशा निर्देशित नहीं करते हैं कि बच्चियों पे जो अपराध हो रहे हैं ये संगीन अपराध है, ये चिंता नहीं चिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों बढ़ते जा रहा है। हम लोग सोचते थे कि निर्भया कांड हुआ उसके बाद ये अपराध रुक जाएंगे। सोनिया गांधी जी भी मिलने गई थी, आप लोगों को याद होगा, रात में अस्पताल में मिलने गई थी, पर तो आज ये हालत हो रहा है। मध्य प्रदेश भी नंबर वन महिला अपराधों पर, और यहाँ तो जो चुनाव का जो माहौल लग रहा है, चुनाव जो हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को मेरी बेटी मेरी बच्ची मेरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तो चलाते हैं, पर तो बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पाती हैं। ऐसी सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं है। कमलनाथ जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला में कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस सभी पदाधिकारी आज सब धरने आंदोलन पर पूरे मध्य प्रदेश में बैठे हैं कि क्या हो रहा है आज हमारी बच्चियों के साथ। बच्ची ना घर में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है, क्या लोग बच्चियाँ पैदा करना छोड़ दें क्या? क्या करें? ऐसे सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, दोषियों को फांसी पर चढ़ाई देना चाहिए, फास्ट ट्रैक में उस पर केस लगाना चाहिए। हैदराबाद की घटना आपको याद होगी, वहीं के वहीं एनकाउंटर कर दिया गया था। मैं नहीं कह रही, परंतु सरकारों को अब चेतना चाहिए और बच्चियों पर अपराध रुकना चाहिए। आज कांग्रेस जो है वो धरने पर बैठी है, लगातार देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर कांग्रेस जो है वो विरोध की मुद्रा में है, क्या कहना चाहेंगे? जिस काशी में भोलेनाथ जी के साथ पार्वती मैया विराजित हो, जिस मथुरा में किशन जी के साथ राधा जी विराजित हो, अयोध्या में राम जी के साथ सीता मैया विराजित हो, या गंगा मैया बहती हो यमुना मैया बहती हो, ऐसे राज्य में अगर एक बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है। ऐसे हिंदू धर्म की क्या ज़रूरत है जब वो जो उसके ठेकेदार लोग उसके राज्य में योगी नाम के एक आदमी जो किसी एंगल से योगी नहीं है किसी भाषा से योगी नहीं है हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन दलित की बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो बाले बाले उसकी अंत्येष्टि भी करा दी जाती है, माता पिता पे दबाव बनाया जाता है, तो ये मानवता नहीं पशुता है। आप किस सूरत में राम जी का मुँह दिखाएंगे? आप किशन भगवान को कैसे मुँह दिखाएंगे? आप भोलेनाथ जी को कैसे मुँह दिखाएंगे जब आप सीता मैया पार्वती मैया राधा मैया जैसी हमारी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए? तो आपको इस राज्य में सरकार चलाने का अधिकार नहीं, और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हो आप सबके ऊपर थू है कि आप हमारी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, और उस रक्षा न करने के बावजूद उसकी परभारे उसकी लाश जला देते हैं, उसके माता पिता को उसके अंतिम संस्कार अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं देते हैं। तो ये तो देश में नहीं पूरे विश्व के लिए बड़ी शर्म की बात है। उस शर्मनाक घटना के खिलाफ पूरा देश विचलित है, पूरे देश में आक्रोश है। उस आक्रोश का एक हिस्सा इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा दिखाया जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिनके मार्गदर्शन में हमारा संविधान बना है, जिनके हाथों से हमारा संविधान बना है, आज उनसे हम ये कामना करते हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर भीमराव अंबेडकर जी, आप ये बताइए कि क्या न्याय हो रहा है? क्या देश में संविधान सबके लिए बराबर है? एक तरफ किसी नेता मंत्री जुड़े हो गए यूपी में तो आप किसी का बलात्कार कर सकते हो, किसी की हत्या कर सकते हो, क्या एक दलित बच्ची का जीवन का कोई मूल्य नहीं है? उस मूल्य की लड़ाई लड़ने के लिए, उस हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा आज इंदौर में मौन धरना दिया जा रहा है, और ऐसी लड़ाई हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे उसकी। आपका नाम? आपका? दीपक जोशी पिंटू। धरना दिया जा रहा है, क्या मांग की जा रही है इसके माध्यम से? आज हम धरने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर
जनाब आखिरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, क्योंकि आप सब जागरूक मीडियाकर्मी हैं, आठ वर्ष के जो दलित बालिका के साथ जो विभत्स घटना हुई है, उसके बाद जो जिला प्रशासन का जो रवैया रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल जी प्रियंका गांधी जी तक को नहीं जाने दिया, उसके बाद भी जो मीडिया के लोग थे 27 घंटे तक वहाँ संघर्ष करते रहे, लोकतंत्र उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में समाप्त हुए। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के आठ जिलों में बालिकाओं के साथ हत्या बलात्कार की जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, और हम सब कांग्रेसजनों ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के स्थली के पास बैठकर हम जो घटनाएं हुई उसकी हम निंदा करते हैं और ये हमारा मौन रखना। अच्छा, कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठी है, कांग्रेस के 3-3 विधायक शहर में मौजूद है, लेकिन एक भी विधायक यहाँ पर नहीं है, एक भी प्रदेश कार्यकारिणी का जो सदस्य है वो यहाँ पर नहीं है, आखिर क्या वजह है, क्या कांग्रेस ही एकजुट नहीं है? नहीं नहीं, कांग्रेस एकजुट है। आदरणीय जीतू पटवारी जी को जिम्मेदारी है, विशाल पटेल जी के पास जिम्मेदारी है, संजय शुक्ला जी के पास जिम्मेदारी है, और मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंदौर में 77-80 की जो कांग्रेस थी वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और आने वाले चुनाव में जो बिकाऊ राम 50 करोड़ में जो बिका है उसको सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू के नेतृत्व में 25,000 से अधिक वोटों से हम उसको बिकाऊ राम को शिकस्त देंगे, और 10 नवंबर के बाद इसी मीडिया के सामने हम लोग आएंगे, और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे। आपका नाम? मोहन शर्मा, मुख्य प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस।